हरियाणा के झज्जर में आपसी रंजिश के चलते हुई युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में तीन आरोपी महिलाएं अभी फरार चल रही है। जांच अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि दोनों सगे भाइयों राजपाल उर्फ लीला तथा करण उर्फ दाने के बीच कई दिनों से चने की दुकान लगाने को लेकर रंजिश चल रही थी, जो रविवार को राजपाल उर्फ लीला के परिवार ने करण उर्फ ने के बेटे साहिल को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया, जिसका पता करण को चला तो वह अपने बेटे को छुड़वाने के लिए आया तो उस पर भी राजपाल के परिवार में सरिये से वार कर उसके पैर को तोड़ दिया तथा साहिल के सर पर सरिया मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी रोहतक एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित पक्ष द्वारा छह आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन पर मामला दर्ज कर दिया गया था और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी। आज तीन आरोपियों को शहर की छाराचुंगी के क्षेत्र से पकड़ा है। तीन अन्य आरोपी महिलाएं अभी फरार चल रही है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आज इनको अदालत में इनका रिमांड लेने के लिए पेश किया जा रहा है। राजपाल और करण सिंह दोनों आपस में भाई हैं। ये इनका 28 तारीख को रात को झगड़ा हुआ था आपस में दोनों परिवार का, और जिसमें साहिल है जो करण सिंह का लड़का, उसको काफ़ी चोट आई थी जो 31 तारीख को एक्सपायर हो गया मेडस्टार हॉस्पिटल रोहतक में। इलाज के दौरान इलाज तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? ये 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, राजपाल और उसके परिवार के 6 लोग। 6 को 6 अरेस्ट, अभी 3 को अरेस्ट कर लिया गया है, 3 बाकी की तलाश जा रही है। फरार हैं घर से सभी फरार। तो रिमांड पे लेंगे सर? हाँ रिमांड पे लेंगे। शिकायत क्या दी है सर परिवार वालों ने? शिकायत ही लड़ाई झगड़ा की दी है इनकी, कुछ पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें कुछ राजीनामा पहले भी हो रखे हैं इनके, लेकिन 28 तारीख को रात को फिर से इनका झगड़ा हुआ है। कोर्ट में पेश करने? हाँ कोर्ट में पेश करने के लिए आ रहे हैं अभी।